ब्रजेश पाठक जी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पाठक साहब, क्या निर्णय लिया है आपने छात्रों के इस धरने प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए? छात्रों की मांगों को देखते हुए पीसीएस की परीक्षा को एक ही पाली में और जो दूसरा एआरओ परीक्षा है उस बारे में भी अभी काम चल रहा है और हमारी पूरी सरकार छात्रों के साथ खड़ी है। किसी भी चीज में छात्रों के हितों की अनदेखी हम नहीं होने देंगे। जी पाठक जी, छात्र ये कह रहे हैं कि ये आधा अधूरा निर्णय है और तुरंत आपको अधिसूचना जारी करनी चाहिए, इस पर कुछ कहेंगे? काम चल रहा है जी, और जैसे ही फाइनल निर्णय आएगा सरकार की तरफ से आपके पास स्थिति स्पष्ट की जाएगी। हमारा मैसेज ये है, हम पूरी तरह से, हमारी पूरी सरकार छात्रों के साथ खड़ी है, उनके हितों की चिंता हम लोग करेंगे और किसी भी स्थिति में उनके हितों की अनदेखी नहीं होने देंगे। ब्रजेश पाठक जी, बहुत धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए। डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश ब्रजेश पाठक जी साफ कह रहे हैं कि हम छात्रों के हितों की जरा भी अनदेखी नहीं होने देंगे और छात्रों के हित में हमने ये निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश पीसीएस के छात्रों की एक बड़ी जीत हुई है और सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया है। एक ही दिन में, एक ही शिफ्ट में अब आरओ एआरओ की परीक्षा होगी। फिलहाल ये परीक्षा स्थगित की गई है, कमेटी का गठन कर दिया गया है।